रोल नंबर कितना बेटा? 33 ये इनका जो मार्कशीट है वो मेरे पास नहीं है। पढ़ता नहीं क्या घर पे? ये घर तो पूरा पढ़ता है, 12 बजे रात तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है मुझे मालूम नहीं है। जैसे बात ये है कि जिन बच्चों ने बहुत कम नंबर पाया है, अब बताइए आप तो पढ़े लिखे हैं, 33% पासिंग नंबर है, तो 25% से भी कम नंबर जो छात्र पाए हैं उनका मार्कशीट जो है फादर जी के ऑफिस में, प्रधानाचार्य जी के ऑफिस में रखा गया है। तो आपको मार्कशीट जो है ऑफिस से मिलेगा, प्रधानाचार्य जी के ऑफिस से मिलेगा। तो यहाँ मेरे पास मार्कशीट नहीं है, इसके लिए हम ये कहेंगे कि बेटा प्रिंसिपल सर के ऑफिस में लेके जाओ मम्मी पापा को, और वहीं पे तुमको मार्कशीट मिलेगा। ठीक अच्छा सर ये बताइए कि हाँ, हाँ, या पूरे विषय में क्यों फेल है? देखिए हमें लग रहा है, हमने मार्कशीट को देखा था कि हम ही बनाने वाले हैं उसको, केवल हिंदी या एकांत विषय में और पास है, बाकी सभी विषयों में बहुत कम नंबर है। डायरी मेंशन किया है इसका? जी जी बिल्कुल, देखिए देखिए डायरी देखिए, ये देखिए ये देखिए, फिजिक्स का काफी बुरा नहीं है, ये डेफिनेशन याद करके नहीं आया था, ये देखिए आई कार्ड लेके नहीं आया था। ठीक है, कई तरह के से देखिए पूरा डायरी इसका 3 पेज भरा हुआ है शिकायतों से। आप इसको आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप इसमें मेंशन नहीं किए हैं, आप इसमें सिग्नेचर नहीं करा था, बताया भी नहीं, एक बार भी डायरी नहीं दिखाया कि हाँ डायरी भी आता है। देखिए पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आज के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, विद्यालय में बच्चों का नाम लिखा दिए, सारा जिम्मेदारी विद्यालय की। केवल फीस भर के लिए बताता है कि सर फीस मांगा गया वहाँ पे, बहुत ज्यादा फीस मांगा गया है, तो फीस के लिए बताता है और शिकायत अपना नहीं बताता। आप एक चीज जानिए हमसे, पहली बार आप हमसे मिले हैं पीडीएम में, आप इनका डायरी हर हफ्ते में एक दिन तो चेक करिए, और डायरी में स्पष्ट देखिए पेरेंट्स का जो है कोई नोटिस है, कुछ उधर से कुछ रिएक्शन है, तो उसको आप लिख के दे सकते हैं। ठीक है, हम इधर से जो हमारा होता है, यहाँ देखिए, इधर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ स्पष्ट क्लास टीचर रिमार्क, तो यहाँ पे हमने लिखा, देखिए लिखा गया कई बार ये लेट आया है, देखिए शिकायतों का भरमार है इसके, इस पे आपको सिग्नेचर करके देखना था, फिर इसको डांटना था घर पे। एक बार भी यानी बताया कि हाँ ये मेंशन हुआ है चाहिए, और सब डायरी के एक बार भी नहीं दिखाया, नहीं तो अब ऑफिस में जाए आप और वहीं से आपको मार्कशीट मिलेगा। चलो आज अभी बता रहे थे, चलो फीस के लिए तो बार बार कहते हो पापा फीस चाहिए फीस चाहिए, दिन भर तपती धूप में हम काम करके तुम्हारी फीस की व्यवस्था करते हैं, और उसके बाद ये दशा है, कल से तुमको हिसाब से मैं लेकर के वही खेत पे काम कराऊंगा मैं, तब समझ में आएगा कि यहाँ कैसे पैसा आता है। चलो भाई प्रिंसिपल ऑफिस में चलो। हाँ ये रहा आपका मार्कशीट। अरे ये क्या, आप हिंदी के अलावा सारे विषय फेल हैं क्यों, घर पे नहीं पढ़ते हैं क्या? सर जी पढ़ते तो हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन अब पढ़ते हैं तो कौन सा किताब पढ़ते हैं मुझे नहीं मालूम पड़ता है, क्या पढ़ते हैं? क्यों बेटा क्या समस्या आपकी, क्यों पढ़ाई मन नहीं लगता, ये मार्क इतने कम क्यों? सर हमको पढ़ने में मन नहीं लगता सर जी, हमको थकी में मन लगता है। क्यों आपने एडमिशन के समय कभी इसकी रुचियों के बारे में विचार विमर्श नहीं किया? सर ये जैसे पढ़ लिख करके हम इंजीनियर बनना चाहते थे तो हम नहीं बन पाए, तो सोचे कि अपने बच्चे को इंजीनियर बना दें, तो खेती से और सब इधर उधर से करके इसकी फीस इकट्ठा की और मैथ में हमने इसका एडमिशन करा दिया। अब उसके बाद एक बार भी नहीं हमसे बताया कि कोचिंग करना है, ये करना है, वो करना, कुछ भी नहीं बताया। यही तो बात है, आप लोग सोच रहे इसकी हत्या कर दिया, इंजीनियर बनाने की सोच आपकी जो है, इसके रुचियों को इसके प्रतिभाओं को जानना चाहिए, उसे मदद करना चाहिए, हो सकता है अपने क्षेत्र में आगे जा सकता,
कोई बात नहीं बेटा, अगर आपका मन संगीत में लगता है तो हम आपको पूरा मदद करेंगे संगीतकार बनाने के लिए। आप स्कूल टाइम के बाद मिलिएगा हमसे, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। इंजीनियर ही बनाना चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं मिला, हर कोई यही सोच रहा है हमारा बेटा इंजीनियर बने, इंजीनियर बने। कोई उनके रुचियों के बारे में जानने का प्रयास भी नहीं कर रहा है, उनकी प्रतिभा क्या है, किस क्षेत्र में है। हर कोई चाहता है मेरा बेटा मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, लगता है जिंदगी का एक मतलब जीने का एक मकसद बन गया है कि हमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पढ़ना है। किसी के मुँह से हम ये नहीं सुन रहे हैं कि कोई मेरा बेटा एक बड़ा उद्योगपति बनेगा, एक संगीतकार बनेगा, एक खिलाड़ी बनेगा। क्या होगा इस समाज का, यानी क्या होगा देखिए।